अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई का जो अभियान चल रहा है उसमें बड़ी तेजी के साथ सफलता मिलती जा रही है। आज भी सुरक्षा बलों को तब बड़ी कामयाबी मिली जब 5 आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए। और अगर हम देखें पिछले 4 दिनों में, तो 4 दिनों में ये आतंकवादियों को मारे जाने का आंकड़ा 14 हो गया है, यानी कि 14 आतंकवादी 4 दिन के अंदर अंदर ठोके जा चुके हैं। दरअसल शोपिया जिले में सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि जैश के और हिजबुल के कुछ आतंकवादी अलग अलग गांवों में छुपे हुए हैं, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया और आतंकवादियों को काउंटर ऑपरेशन के दौरान मारा गया। और ये जो आज का पूरा घटनाक्रम रहा इसको पहले समझते हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में शोपिया के सुगु इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिलने के बाद सुबह इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। शोपियां में 4 दिन में यह तीसरी बड़ी मुठभेड़ है। रविवार और सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकवादी मारे गए थे। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 3 दिनों में हुई तमाम मुठभेड़ों में कुल 14 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। शोपिया के अलग अलग गांवों में हिजबुल और जैश के तमाम आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी के बाद राष्ट्रीय राइफल्स अब यहां बड़े पैमाने पर काउंटर ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। इसका असर यह है कि 7 जून से 10 जून के बीच तमाम टेरर ऑपरेशंस में सेना ने 2 टॉप कमांडर्स समेत 14 आतंकियों को मार गिराया है। सबसे ताज़ा मुठभेड़ बुधवार को शोपिया के सुगु गाँव में हुई। इस ऑपरेशन में सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने 5 आतंकियों को मार गिराया। सुगु गांव में मंगलवार देर रात सेना ने तलाशी अभियान चलाया था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने यहां पर आतंकी मूवमेंट की सूचना दी थी, जिसके बाद सेना ने यहां कासो चलाया था। शोपिया के पिंजोरा गांव में 8 जून को सेना ने खुफिया इनपुट के आधार पर पैरा फोर्सेज के जवानों के साथ एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए गए थे। इनके पास से AK-47 समेत तमाम हथियार और अन्य सामान बरामद हुए थे। कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के बाद फिर से आतंकी साजिश के इनपुट्स मिलने पर सेना अब सक्रिय हो गई है। शोपियां, पुलवामा और कुलगाम जिलों में आतंकियों की सक्रियता की जानकारी के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार यहां स्थानीय नेटवर्क के जरिए टेरर मूवमेंट की जानकारी जुटा रही हैं। इसी का असर है कि इलाके में बड़े पैमाने पर आतंकियों का अंत करने में सफलता भी मिली है। वहीं जहां तक कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या का मामला है, तो उनके हत्यारों की तलाश जारी है। वहीं घाटी में चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सब अपनी अपनी तरह से निंदा कर रहे हैं सरपंच की हत्या की। बीजेपी आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान, NCPDP के आलाकमान भी हत्या की निंदा कर चुके हैं। आज कश्मीर में श्रीनगर जिला जो बीजेपी का कार्यालय है वहां पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें सरपंच को, दिवंगत सरपंच को श्रद्धांजलि दी गई और हत्या की कड़ी निंदा की गई। साथ ही जो PDP है उसने भी हत्या की निंदा की है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि अगर सरपंच को अपनी जान को खतरा था, ऐसा प्रशासन को बताया गया था, सुरक्षा की मांग की गई थी, तो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के और PDP के स्थानीय नेता। देखिए, कल शाम हमारे जो सरपंच थे, चाहे किस पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, PDP से हो, किस पार्टी से, लेकिन हमारे लिए एक मंतखब नुमाइंदा था, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। उसको कल दहशतगर्दों ने मार डाला, शहीद किया। उसके पीछे जो वजह थी, मुझे लगता है कि उसको सज़ा इस बात की मिली है, उस बात की दहशतगर्दों ने सज़ा थी, जिसकी हमेशा दहशतगर्द खिलाफ रही है। वो लोगों की कामें कर रहा था, उनकी ड्रेनेज ठीक कर रहा था, उनकी वो गली कोची वो ठीक कर रहा था। मुझे लगता है इसी बात की उसको सज़ा मिली, क्योंकि दहशत और उनके आकाओं ने हमेशा कश्मीर में एक डिस्ट्रक्शन सा ही माहौल बनाया था, और वो नहीं चाहते कि कश्मीर विकसित हो और कश्मीर के बच्चे अच्छी काम करें। एक बात ये, दूसरी बात, कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि यहाँ पंडित, जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको फोर्सली यहाँ से 90s में निकाला गया था, वो वापस आए। अब जो मोदी जी का जो हमेशा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी उसका बड़ा प्रभाव पड़ा था, और कश्मीरी पंडित अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ शुरू आना हो गए थे। और ये पंडित था जो हमेशा यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। ये एक टारगेट के लिए थी, एक सोची समझी साजिश के तहत पंडित को मारा गया, ताकि जो कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आ गए वो वापस यहाँ से भागे और
जम्मू कश्मीर को फिर क्रिमिनल लाइनों पर बांट दिया गया और जम्मू कश्मीर में वही जो सेटअप वो चाहते हैं, जो वहाबिज्म हो चाहे वो तालिबानी सोच वाला है, वही अपनाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर का आवाम इसको कभी कामयाब नहीं होती। इसकी मिसाल आपके सामने ही है। देखिए, पिछले जो ऑपरेशन हुए हैं, 10वां ऑपरेशन जो हुआ है, उसमें आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों का पीछा करते हुए, उनका ताकुक करते हुए चुन चुन के उनको मारा। और ये सबसे सक्सेसफुल नाउ ऑपरेशन, इसमें लगभग 20-30 मिलिटेंट जो मारे गए, दहशतगर्द जो मारे गए। ये एक प्रेशर है, एक रिफ्लेक्शन है इसी के अंदर। अब दहशत और उनके आकाओं में खूब है और उनको ये लग रहा है कि उनको पता चल चुका है कि दहशत का अंत है ये, और जम्मू कश्मीर में अब दहशतगर्दी का खात्मा, और लोग भी अब सपोर्ट कर रहे हैं, और जो लोगों की तरफ से जो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उस बेस पे कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। और यही वजह है कि दहशतगर्द एक बार फिर खोप और बहका और दहशत का माहौल यहाँ पैदा करना चाहते हैं। और आज देखिए, कल देखिए, पिछले 3 दिनों में शुपियन में पहले 5, उसके बाद 4, और अभी 3 और मारे गए। यही वजह है, देखिए यही वजह है कि ये बदली हुई सोच है। लोग यहाँ विकास चाहते हैं, लोग यहाँ डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। अब दहशतगर्दी को यहाँ के लोगों ने छोड़ दिया। अब दहशत के आकर जो है उन अपने एजेंटों से या फोर्सबली फिर वो खौफ और दहशत बना था। और यही वजह कि उन्होंने कल अजय जी को मारा, इससे पहले भी उन्होंने सरपंचों को मारा। उनकी यही खता थी कि वो यहाँ के समाज के लिए काम करते हैं, ये नंदनीय है, इसकी हम पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और उन ताकतों से ये कहना चाहते हैं, दहशतगर्दों से ये कहना चाहते हैं, देखिए एक नहीं, हम हज़ारों कुर्बान होने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी जी ने हमें जो मंत्र दे दिया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेके जम्मू कश्मीर में आप डेवलपमेंट करो, हम उसी मंत्र को आगे लेके चलेंगे, हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और दहशतगर्द भी ये समझे जम्मू कश्मीर के आवाम उनके साथ नहीं है। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हमेशा हमारा यही नारा रहा, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। यह हमारे मुफ्ती साहब का नारा था जब से हमने पार्टी बनाई है। लेकिन मसला सिर्फ उस पंडित भाई का नहीं है, इसमें सिख भी है, मुसलमान भी आता है। कितनी कुर्बानी दी हमारे वर्करों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, चाहे वो पीडीपी का था, कांग्रेस का था। मुझे लगता है 20,000 से ज़्यादा पार्टी वर्कर्स जो है, जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा थमाया था। हम आपस में भाई भाई हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हम एक हैं इंशाअल्लाह रहमान।